हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पिक अटैक में। मेरे यार, अगर आपके पास अननोन नंबर से कॉल आती है और आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो कि यार आखिरकार कोई ऐसी सेटिंग हो कि अननोन नंबर कोई भी हो मुझे कॉल ही ना कर पाए, यानी सिंपल वे में क्या हो कि जब तक मैं उसका नंबर सेव ना करूँ तब तक वो बंदा मुझे कॉल ना कर पाए, तो पहली सेटिंग तो ये मैं आपके लिए आज बताने वाला हूँ। दूसरी सेटिंग ये मेरे यार, कभी कभी क्या होता है यार कि हम किसी को ब्लॉक कर देते हैं, सिंपली हम किसी कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक कर देते हैं, किसी पर्सन को ब्लॉक कर देते हैं कॉन्टैक्ट के जरिए। तो वहाँ होता क्या है कि जब भी वो ब्लॉक्ड पर्सन हमको कॉल करता है, मैसेज करता है, तो उसका एक छोटा सा नोटिफिकेशन हमारे टैब स्क्रीन पर आ जाता है। तो यार वो भी हम डिसेबल करना आज हम आपको बताने वाले हैं, कैसे आप उसको भी डिसेबल कर सकते हो कि अगर कोई ब्लॉक्ड पर्सन भी आपको कॉल करे मैसेज करे तो वो भी आपको नोटिफिकेशन शो ना हो। सिंपली मैं आज इस वीडियो में मैं आपको साथ यही बताने वाला हूँ, यही चर्चा करने वाला हूँ, तो इसलिए बने शुरू से अंत तक। बाकी यार वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मेरे यार मेरे दोस्त मेरे चैनल की वीडियो को लगभग 90% लोग देखते हैं, किंतु उसमें से 10% लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं। क्यों मेरे यार आप लोग चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे दोस्त, चैनल सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मेरे यार आप किसी को ब्लॉक कर चुके हो, उसके बाद भी जब भी वो आपको कॉल करता है मैसेज करता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ रहा है, तो आप उसको सिंपली बंद कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। या फिर कह सकते हो कि जिसका मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है वो बंदा आपको कॉल करता है तो सिंपली क्या आ जाता है, आपके पास कॉल आ जाती है, यानी कि आप अननोन नंबर्स की कॉल को भी क्या कर सकते हो, पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो कि कोई भी अननोन पर्सन आपको कॉल नहीं कर सकता है और ना ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। वो कैसे करना मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले वो करना क्या है मेरे यार, आपको सबसे पहले क्या करना, एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है कॉल, एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है क्या मेरे यार, कॉल ब्लॉकर। आपके सामने देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको प्ले स्टोर बता देता हूं, वरना आप लोग कहोगे कि सर मिल नहीं रहा है मुझे यार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके प्ले स्टोर पर चले जाना। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है कॉल ब्लॉकर। क्या सर्च करना है मेरे दोस्त, कॉल ब्लॉकर। कॉल ब्लॉकर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये कौन सा नंबर पे है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे शो हो गया। और आपको मैं इस एप्लीकेशन की रेटिंग भी बता देता हूँ, चलिए यार वरना आप लोग कहोगे कहीं ऐसा तो नहीं फेक ऐप हुई। तो आप देख पा रहे हैं 4.5 की रेटिंग है, बहुत ज़बरदस्त रेटिंग है, बहुत अच्छे रिव्यू है, मैं पढ़ा हूँ, इसलिए ये एप्लीकेशन आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सिंपली मैं आपको करना क्या है, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अब आपको देखिए इसमें सेटिंग कैसे करनी है, मेन सेटिंग की बात आती है, इसलिए आप लोग बहुत गौर से देखिएगा तभी मतलब जो है आप एक्सेस कर पाओगे इस एप्लीकेशन की पूरी सेटिंग को। आपको क्या करना है, कॉल इस पर इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि कॉल ब्लॉक लिस्ट ऐसे आपके पास ऑप्शन आएगा, तो इसको आपको एज अ डिफॉल्ट पे क्या कर देना है, सेट कर देना है, सिंपली सेट कर देना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है परमिशन रिक्वायर्ड, कॉल्स SMS दोनों के लिए आपको क्या कर देना है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। सिंपली आप क्या कर देना है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपके एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे मेरे यार 3 डॉट्स आपको राइट कॉर्नर में देखने के लिए मिलेंगे, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्या मेरे दोस्त, सेटिंग। सेटिंग पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अब यहाँ पे नीचे की ओर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, क्या मेरे दोस्त, नोटिफिकेशन। क्या मिल रहा होगा मेरे दोस्त, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, इस सारे के सारे नोटिफिकेशन क्या कर देना मेरे दोस्त, बंद कर देना। बहुत यही बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना मेरे यार, इस सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको बंद कर देना है, क्योंकि जब भी आपको कोई कॉल करता है तो यही नोटिफिकेशन क्या होती हैं, वो आपको शो होते हैं कि दिस नंबर कॉल्ड यू वगैरह, जो भी ये मैसेज वगैरह आपको आता है तो दिस मैसेज वगैरह आपको क्या है, ब्लॉक में आपको शो होता है। अगर आप इसको इनेबल कर दोगे मेरे यार तो आपको किसी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगी, ठीक। अब आपको क्या होना है, बैक आ जाना है। अब स्टेटस बार आइकन, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे यहाँ पे आइकन शो हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। सिंपली हम इसको बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे यार, आपके यहाँ पे शो नहीं होगा और ना ही लगेगा कि मैं कोई किसी प्रकार कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ हूँ। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे क्या है, कॉल्स और SMS। देखो तो आपको क्या है कि कॉल्स पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सिंपली में, क्योंकि हम क्या किए हैं यहाँ पे सिर्फ कॉल्स ही यहाँ पे अलाउड किए हुए हैं और SMS हम क्या किए हैं यहाँ पे अलाउड नहीं किए हुए सिंपली में। तो आपको क्या करना है, हालांकि ब्लॉक्ड किए हुए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार वो बंदा मुझे आगे चल के मतलब जो है कॉल करता है और मैसेज भी कर सकता है, तो आपको क्या करना है, इसको भी मैसेज करके आपको डिफ़ॉल्ट इस पर भी कर लेना है, ठीक। उस पर आपको करने के बाद क्या होगा कि मेरे यार अब आपको ना तो वो कॉल कर पाएगा और ना ही मैसेज कर पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, इनेबल्ड हो चुके हैं। अब आपको डरने की बिल्कुल ही बात नहीं, आप किसी को भी ब्लॉक किए हो, कुछ भी किए हो, अननोन पर्सन है मेरे यार, ना वो आपको कॉल कर पाएगा और ना ही वो आपको मैसेज कर पाएगा, ना ही आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच यार।